ऐसे तो मार्केट में आपको कई तरह के लहसुन प्याज अदरक के मसालों के पाउडर मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाली हूँ उनकी कहानी थोड़ी हटके है। पेशे से तो वो इंजीनियर है, 2 साल मार्केटिंग फील्ड में काम भी किया है और काम के दौरान खुद से खाना भी बनाया, लेकिन हर दिन कोई नई मुसीबत। कभी प्याज छीलते वक्त आंख से आंसू, तो कभी अदरक लहसुन जल्दी खराब हो जाते, तो भैया कभी खत्म ही हो जाते। फिर वहीं से उन्हें इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने का एक आइडिया आया। अनुभव ने घर पर ही बने हुए होममेड मसालों के पाउडर तैयार करना शुरू किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल सके। शुरुआत की प्याज और लहसुन के मसालों के पाउडर से और अब 13 से भी ज्यादा मसालों के पाउडर वो तैयार कर रहे हैं। अनुभव के इस स्टार्टअप की खास बात ये है कि इनके जो मसालों के पाउडर हैं वे घर के बने हुए होते हैं, साथ ही केमिकल और प्रिजर्वेटिव फ्री भी होते हैं। डिहाइड्रेशन तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर वे घर पर ही लहसुन प्याज जैसे प्रोडक्ट्स को पहले तो धूप में सुखाते हैं, फिर ग्राइंडर की मदद से उसे पीस लेते हैं और उससे मसालों का पाउडर तैयार करते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग करके लोगों को बेचते हैं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले अनुभव ने मार्केट में काफ़ी रिसर्च की, फिर उन्हें डिहाइड्रेशन तकनीक के बारे में पता चला जिससे किसी भी फूड या फ्रूट के शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, और यहीं से अनुभव को अपना स्टार्टअप शुरू करने का ख्याल आया। 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत का जो 1 साल रहा उनके लिए सीखने समझने का दौर रहा, जिसको उन्होंने बखूबी यूटिलाइज भी किया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से समझा और अपने काम को और अच्छा किया। फिर साल 2020 में किचन डिलाइट नाम से कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए, लेकिन उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो जिलीज नाम रख लिया। अनुभव उन लोगों में से हैं जिनके लिए साल 2020 काफी अच्छा रहा। लॉकडाउन में उनका बिजनेस काफी फला फूला। लॉकडाउन के दौरान उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग उनके लिए काफी फायदेमंद साबित रही। साल भर में ही उन्होंने अपने साथ 12,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ लिया, जिससे वे 35 लाख रुपए का सालाना बिजनेस कर रहे हैं। हैदराबाद में आज उनका खुद का एक ऑफिस भी है और हर दिन उनकी कंपनी ग्रो कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने डीलर्स और रिटेलर्स का एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसके जरिए वे ऑफलाइन मार्केटिंग कर अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाते हैं। आज उनके पास 13 प्रोडक्ट्स है, इसमें गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, अनियन पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी मसाला जैसे पाउडर और प्रोडक्ट शामिल है, और ये सारे प्रोडक्ट्स केमिकल और प्रिजर्वेटिव फ्री हैं। अनुभव ने अपने साथ 5 और लोगों को भी रोजगार दिया है जो प्रोडक्शन के साथ साथ पैकेजिंग में भी उनकी मदद करते हैं। 30,000 की लागत से शुरू किया गया ये स्टार्टअप आज 30 लाख से भी ज्यादा का बिजनेस कर रहा है। वोकल फॉर लोकल का ये नारा अनुभव के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, इससे उनके काम और कस्टमर्स का भी दायरा बढ़ गया, और उम्मीद है कि उनके इस कहानी से लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऐसे और भी स्टोरीज और वीडियोस के लिए देखते रहें दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।